सर्दी दी रुत दे लई एक बहुत ही खास नुस्खा अज सांझा करांगे जेड़ा कि जोड़ां दे दर्द गठिया वात रोगां दे लई कमर दर्द लई बहुत ही ज्यादा चंगा है। इस नूं असी नवियां मावां नूं भी दे सकदे हां। सत श्री अकाल जी, पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई वेख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर। अज असी अपनी रसोई दे विच सर्दी रुत दे लई एक खास नुस्खा तैयार करांगे जेड़ा कि लगभग सब दे लई ही बहुत ज़्यादा कम दा है और इस रुत विच इस नूं वरतन दे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलणगे। आओ इस नूं बनाउण दी विधि जानदे हाँ ते इस दी वरतों करन दा तरीका भी। इस थाली दे विच जिन्नी मात्रा विच तुसी समान नू देख रहे हो इस नाल लगभग साढ़े कोल 15 दिन लई इह नुस्खा तैयार हो जाएगा क्योंकि असी इस दी वरतों केवल एक चमचा करनी है ते इह एक जी दे लई बहुत है। उस तो बाद तुसी मात्रा है अपने हिसाब नाल वधा सकते हो। जे ज़्यादा जियां लई दो लई बनाउणी है तो दुगनी कर दिओ, तीन लई बनाउणी है तो तीन गुणा कर दिओ। इस दे लई असी कुछ मसाले लए हन जिवें कि दालचीनी लई है। दालचीनी का असी 2 to 3 grams का टुकड़ा जिहड़ा है वह लै सकते हाँ। इस तरह छोटा टुकड़ा असी सुंड दा लगभग 2-3 grams ही असी सुंड लैनी है। 2 मोटियां इलायचियां लईयां हन ते कुछ दाने असी काली मिर्च दे 8-10 दाने ते 10-12 दाने ही असी लौंग दे लै लैने हन। इस दे नाल एक चमचा असी हल्दी का भी लैना है। ये तो हो गए मसाले। बीजां दे विच असी 2 चमचे सूरजमुखी के बीज लए हन। जे यह बीज ना होन तां असी कोई भी मगज 2 चमचे लै सकते हाँ। 2 चमचे असी अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स लए हन। 3 चमचे असी तिलां दे लए हन। इस तों बाद असी गूंद लई है जिहड़ी कि 4 चमचे लई है। एक किक्कर की बबुल की गूंद है, इस नूं असी सब तो ज़्यादा मात्रा विच लिया है। इस तो इलावा असी 8-10 बादाम लए हन। तो यह सारी जिहड़ी चीज़ां ने यह 15 दिन का नुस्खा तैयार होगा एक जने के लिए। तुसी मात्रा नूं दुगना तिगना अपने परिवार के हिसाब नाल बना सकते हो जिन्ने लोगों लिए लोड़ होवे। इस नूं कौन कौन वरत सकता है उस दे लई मैं अगे चर्चा करूँगी। सब तो पहला असी की करांगे कि जिहड़े मसाले ने मसालियां नूं पहला असी मोटा मोटा कुट लवांगे। जे असी इन्हां नूं थोड़ा जिहा मोटा मोटा कुटदे हाँ तां उस तों बाद ग्राइंडर च होर ज़्यादा वधिया पीसे जांदे हन ते असी इन्हां नूं चंगी तरह पीस के ही लैणा है क्योंकि इस नूं असी जदों तैयार करना है तो यह सारा कुछ असी खाणा है, इस नूं छानना नहीं है। इस करके पहला ही असी यह पाउडर इस तरीके नाल तैयार करांगे कि सानूं इहनूं छानना ना पवे। मोटा मोटा कुटन तो बाद असी ग्राइंडर लवांगे। ग्राइंडर दे विच इस नूं जिन्ना बरीक हो सके उन्ना बरीक पीस लवांगे। सब तो पहला असी चर्चा करते हाँ इस गल ते कि इस नुस्खे की वरतों कौन कौन कर सकता है। जिन्हां नूं भी जोड़ां दा दर्द है किसी भी तरीके दा, भावें वह अड्डी दे विच दर्द है, गोड्यां दे विच दर्द है, गोड्यां दी ग्रीस घट रही है, कमर दे विच दर्द है, सर्वाइकल दा पेन है, किसी भी तरह दा दर्द, इत्थों तक कि जे तुहानूं ठंड करके सिर दर्द भी हुंदा है तां वी तुसीं इस नुस्खे की वरतों कर सकते हो। बहुत सारिया भैणां अजिहियां हन जिन्हां नूं पीरियड्स के दौरान माहवारी तो पहला या माहवारी के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हुंदा है, वह भी इस की वरतों कर सकदियां हन। जिहड़ियां भैणां जिन्हां नूं मीनोपॉज हो रहा है, माहवारी बंद हो रही है, इस दौरान भी उन्हां नूं बहुत सारे लक्षण अपने अंदर देखने नूं मिलते हैं। कईयां दा जोड़ां दा दर्द ज़्यादा वध जांदा है, कईयां विच हॉर्मोन्स जिहड़े हन वह बैलेंस नहीं रहिंदे, वह भी इस की वरतों कर सकते हैं। जिहड़ियां भैणां दी हुणे हुणे डिलीवरी हुई है, भाव कि जिहड़ियां नवीं मावां हन, उन्हां नूं भी इस दी वरतों करवाई जा सकती है क्योंकि ये वात रोगां नूं जित्तण वाली बहुत ही चंगी दवाई बनेगी। डिलीवरी तो बाद जे असी वात दा ख्याल कर लैंदे हाँ, वात दोष नूं काबू विच कर लैंदे हाँ तां उन्हां मावां नूं अपने अगले जीवन दे विच कोई बहुतियां तकलीफां दा सामना नहीं करना पैंदा। हुण असी जिहड़ा मसाला रगड़िया सी उसनूं छान भी लिया। छाणिया इस करके कि क्योंकि जदों असी इसनूं सेवन करना है तो मूँह विच ज़्यादा फाइबर जिहड़े हन रेशे ना आउण। हुण असी सारे ही मिश्रण नूं कट्ठा ही पीस लवांगे। इस दे विच बादाम भी चले गए, सारे बीज चले गए, गूंद चली गई ते जिहड़ा कुट के मसाला असी छाणिया है वह भी इस दे अंदर शामिल कर लिया। सारियां नूं असी इक्को सार एक वार दे विच पीस के रख लवांगे। ये बहुत ही ज़्यादा सौखा तरीका है। इस तरीके नाल असी इस नूं सर्दी दे मौसम विच तां 1 महीने लई भी बना के रख लवांगे तां वी ये खराब नहीं होएगी।
तो ये बहुत वधिया तैयार हो गया। इस तरह असी दरदरा जिहा पाउडर ही बनाउणा है, बहुता ज़्यादा बरीक करन दी हुण लोड़ नहीं है। इस नूं तुसीं किसी भी वधिया एयरटाइट डब्बी दे विच कढ के स्टोर कर सकते हो। असी गल कर रहे सी कि ये किहड़े किहड़े रोगों विच काम करेगा, तो जिन्ने भी वात रोग हन जिवें कि वालां दा झड़ना, नौहां दा टुटना, शरीर दे विच बहुत ज़्यादा रुखापन आ जाना, कबज रहना, ये सारियां दे उपर बहुत वधिया काम करेगा। नसां दा कमज़ोर हो जाना, हत्थां पैरां दा कंबना या फिर अधरंग होना, इस तरह के सारे रोग भी वात रोग की गिनती विच ही आउंदे हन। इन्हां दे विच भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस दे विच जिन्नियां भी चीज़ां पाईयां हन ये बेशक गर्म तासीर दियां हन, पर इन्हां दी वरतों इस रुत विच काफ़ी लाभदायक है। एक व्यक्ति लई असी इस तरह एक चमचा रोजाना कर सकते हाँ इसकी वरतों। जे असी सेहतमंद रहने लई भी करना है तो एक चमचा सर्दी के मौसम विच बहुत है। जिन्हां नूं रोग ज़्यादा है तो वह दो समय भी एक एक चमचा लै सकते हैं। हुण असी एक पैन लै लिया, इस दे विच देसी घ्यो एक चमचा पाया है, जिहड़ा कि बहुत जरूरी है क्योंकि असी इस विच अलसी पाई है, इस विच गोंद पाई है, इन्हां नूं असी बिना भुन्ने नहीं वरत सकते, ये सानू लाभ नहीं देंदे। बाकी असी जिन्ने भी होर मसाले लए हन इन्हां नूं भी जे असी घ्यो च भुन लैंदे हाँ, एक तां ये लोड़ तो ज़्यादा शरीर विच गरमैश नहीं करनगे, दूसरा इन्हां नूं पचाउणा बहुत ही आसान हो जाता है। ये नुस्खा जिथे दर्दां ते काम करता है, वात रोग ते काम करता है, उत्थे मन अग्नि दे उपर भी काम करेगा क्योंकि इस विच हल्दी है, मोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। यह अग्नि जिहड़ी मंद हो चुकी है, जिहड़ी पाचन नहीं कर रही, उस ते बहुत चंगा काम करदे हन। काली मिर्च भी असी इस दे अंदर पाई है। जदों भी असी भोजन लै रहे हाँ जे वह सही तरीके नाल नहीं पच रहा तां ही सानू रोग होणगे, ते जे पच जाएगा तो रोग नहीं होणगे। फिर जदों असी इस दे विच मसाले पा दित्ते, एक तो दर्द वैसे ही दर्द नाशक हुंदे हन, जिन्ने भी मसाले हन सोज नूं भी घटाउंदे हन, नाल नाल अग्नि नूं ठीक करदे हन। जिन्ने भी असी इत्थे बीज लए हन ये सारे कैल्शियम रिच हन, इन्हां दे विच चंगी मात्रा विच सानू प्रोटीन भी मिलदा है, ये भी दर्दां नूं घटाउंदे हन ते वात नाशक हन। जिहड़ी असी गोंद इस दे अंदर लई है ये कैल्शियम का बहुत चंगा सोर्स है, जोड़ां ते हड्डियां की मजबूती दे लई बहुत ही ज़्यादा वधिया है। ये नुस्खा दंदां दे लई भी बहुत वधिया रहेगा क्योंकि दंद भी अस्थि धातु का ही एक रूप हन, तां हड्डियां तो ही दंद बन रहे हन, तो इस करके दंदां की सेहत दे लई भी ये नुस्खा बहुत लाभदायक है। हल्दी जिहड़ी है इसने अपना काम करना है, एक तो यह रोग प्रतिरोधक समर्था यानी कि इम्यूनिटी इसनों वधाउंदी है, इस करके जिन्होंने बहुत ज़्यादा छिक्का आउंदियां हन उन्हां दे लई भी ये बहुत ही वधिया नुस्खा है, बहुत वधिया तरीके नाल काम करेगा। पर जोड़ां दे दर्द दे उपर भी इसका बहुत वधिया असर दिखता है क्योंकि हल्दी भी सोज नूं घटाउंदी है ते दर्द नूं घटाउण दा काम करती है। तो इस तरह जिवें तुसीं इस नूं समझिया, ये इस तरह के हर रोग दे लई काम करती है। तो 35-40 साल की उम्र तो बाद थोड़ा बहुत जोड़ां दा दर्द हर किसी नूं रहिंदा है, मौसम करके भी हुंदा है, कमजोरी करके भी हुंदा है, तो बदलाव जिहड़े शरीर दे विच आउंदे हन उन्हां करके भी हुंदा है। तां असी सर्दी दी रुत्त विच इस नुस्खे दी वरतों कर सकते हाँ। कुछ लोग अजिहे हन जिहड़े दुध नहीं लैंदे, तां तुसीं इस दे विच एक चमचा रागी दा आटा भुन सकते हो। जदों असी गोंद वगैरह भुन रहे सी नाल ही एक चमचा रागी दा आटा पा दिओ, भुन के उस तो बाद इस दे विच पानी पा लवो, ते जिवें असी बेसन दी लेटी बनाउंदे हाँ उस तरह दी पतली पतली लेटी बन जाएगी। असी इस नूं पानी नाल भी पी सकते हाँ, पर गर्म गर्म पीना है। पर मैं इस दे विच दुध पा रही हाँ, पहला थोड़ा जिहा पानी भी पाया है, नाल ही इस विच दुध पा देंगी, वह भी मलाई उतरिया होया। सिर्फ जिहड़ियां नवियां मावां हन या फिर जिन्हां दा भार बहुत ज़्यादा घट है वह फुल क्रीम मिल्क जिहड़ा है इस विच शामिल कर सकते हैं। बाकी लोगों लई यही फायदेमंद रहेगा कि असी बिना मलाई वाला दुध लईए ते अद्धा पानी लईए ते पतले दुध दे नाल इस नूं तैयार करिए। हुण असी इस नूं सिर्फ उबाला देना है ते चंगी तरह उबाल के 1-2 मिनट दे लई इस नूं गर्म गर्म ही इस दा सेवन करना है। दुध ते पानी मैं इस दे विच पा दिता है, नाल ही असी इस विच थोड़ी जिही मिश्री जिहड़ी है उसकी डली भी पा देंगे, धागे वाली मिश्री। दुध दे विच जे कोई असी सब तो उत्तम मिठा लै सकते हाँ तो वह भी मिश्री, वह भी लोड़ पैन ते जिन्हां नूं जरूरत है, ते जिहड़े फिक्का पी सकते हैं वह फिक्का ही लैन। खास तौर पर शूगर के मरीज किसी भी तरह का मिठा जिहड़ा है उसकी वरतों ना करन। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि दुध ते गुड़ पा के लिया जा सकता है, ये बारे ना तो असं ये कह सकते हैं कि बहुता ज़्यादा चंगा है,
ते ना ही ये कह सकते हाँ कि बहुता ज़्यादा माड़ा है। घट तो घट ही इसकी वरतों करनी चाहिए है, पर जिन्हों पेशाब खुल के नहीं आता उन्होंने दुध तो गुड़ का मेल ज़्यादा चंगा है। बाकियों यह ज़्यादा जड़ा है मेल खाँदा नहीं है, क्योंकि गुड़ के अमल रस हों खटास होंगी है, जिस करके दुध न उसका मेल ज़्यादा चंगा नहीं मनिया जाता। ये नुस्खा पंजीरी ते पिन्नी नालों भी ज़्यादा वधिया है, क्योंकि उस ते मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी जे अजकल दे समय विच असी देखिए बहुत लोग इस तरह के हैं जिन्हां नूं पंजीरी या पिन्नी पचदी ही नहीं है, तो उस मुकाबले ये काफ़ी हल्का रह जाता है। तो जिन्हां दी अग्नि मंद होवे उह पिन्नी या पंजीरी खा भी नहीं सकते। तो असी इस तरह एक चमचा जिहड़ा है रोजाना लै सकते हाँ दुध दे विच, पतले दुध दे विच तैयार करके, जिस नाल साडी अग्नि भी ठीक होएगी, मंद अग्नि ठीक होएगी तो भुख भी चंगी तरह लगेगी। इस दे नाल जिहड़ा जम्मिया होया मल है, टॉक्सिन है, वह भी बाहर निकलणगे, सोज घटेगी, दर्द घटेगा तो शरीर खुलेगा। इस दी वरतों असी जे बच्चों लई करना चाहते हाँ, कुछ बच्चों नूं भी लोड़ हुंदी है, तो असी यह देखना है कि बच्चे 4-5 साल तो उपर की उम्र के होने चाहिए हैं, जेडे घर का बनिया सारा समान सब कुछ खा लेंदे हैं उन्होंने पचता है। बच्चों के लिए असी इसकी मात्रा जी है 1/4 चम्मच रख सकते हाँ। 1/4 चम्मच असी थोड़ा जहा घ्यो तड़क के उन्होंने किसी सब्जी भी मिला सकते हाँ जे थानू लोड़ लगता है। कई बच्चों की भी रोग प्रतिरोधक समर्था बहुत घट होंगी है, तो असी उन्होंने लिए इस तरीके इसकी वरतों कर सकते हाँ। बाकी इस लैन का जोड़ा समा है वो ये है कि सवेरे चाह की जगह जे इसनों लै लिया जाए तो भी बहुत चंगा है। नाल कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नटी जिहा फ्लेवर है, क्योंकि इस दे विच बीज ने, बादाम है, तो नट्स का स्वाद तो आता ही है, मसाले ने जिहड़ा चाह का स्वाद देंदे हन। इस करके सवेरे उठ के जदों पहली भुख लगती है तो उस दे लई भी संपूर्ण मील है, तो उस समय यह ताकत भी बहुत दिंदा है। जे तुसी अपना भोजन सूरज छिपन तो पहला कर लेंदे हो, भाव के अजकल दे समय दे अनुसार 6 बजे तो पहला तुहाडा रात दा भोजन हो जाता है, तो तुसी 9-9:30 बजे दे आसपास 3-3.5 घंटे बाद रात नूं सौन लगे भी इस दी वरतों कर सकते हो। जे तुसी 2 वक्त दी रोटी खांदे हो सवेरे ते रात नूं, दुपहर दी हल्की भुख जिहड़ी लगती है उस वेले रोटी छड्ड के यह दुध लैना चाहुंदे हो तो उस वेले भी लै सकते हो। कोशिश ये करनी है कि या तो दिन विच एक बारी लेना है, तो जे ज़्यादा तकलीफ है या भोजन ज़्यादा पसंद नहीं है, भोजन एक बार का ही ग्रहण करना चाहते हो तो 2 वार भी लै सकते हो। इस करके मात्रा नूं इस तरीके नाल असी एडजस्ट करना है, इस नूं भोजन दे नाल बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, भुख लगन ते ही लेना है। ये सी अज दा वीडियो, उम्मीद करती हाँ कि तुहानू बहुत पसंद आया होएगा, ते तुसी सर्दियां विच इस नुस्खे नू अजमा के अपने शरीर नू लाभ पहुँचाओगे। मैं फिर मिलांगी किसी होर नवी जानकारी दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।